नमस्कार साथियों, मैं राकेश भाटी और अभी आप पढ़ेंगे हस्तकला का पार्ट 5। ठीक है, अभी इसमें हस्तकला के पांचवें पार्ट में हमने चौथे पार्ट के लास्ट में हमने बात की थी बंधेज कला से संबंधित, और बंधेज कला की कुछ बेसिक बातें हमने कर ली थी। आज हम वस्त्रों की रंगाई छपाई की बातों में आज हम बात करने वाले हैं दाबू कला की। कला का नाम है दाबू कला। देखो इसको ध्यान से समझ लेना, जैसे मान लो ये कपड़ा है अपने पास में, ये कपड़ा है, और यहाँ पे हमने एक चित्र बना दिया इस प्रकार से। हमने इस प्रकार से चित्र बना दिया, ठीक है। अब मान लो ये जो चित्र है इसके ऊपर हमें रंग नहीं चढ़ाना है, तो क्या करेंगे? देखो कपड़े को डुबोएंगे तो रंग तो चढ़ेगा, लेकिन इसलिए हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के ऊपर किसी पदार्थ का इसके ऊपर लेपन कर देंगे, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ऐसे ऐसे करके, और हम किसी मोम का या गेहूं का लेपन चढ़ा देंगे, और उसके बाद में इसको रंग में डुबोएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, जहाँ पे लेपन लगा है उसको ऐसे करके अलग कर देंगे, बाकी कपड़े पे रंग चढ़ जाएगा, और जहाँ पे लेपन लगा है वहाँ पे कलर नहीं चढ़ेगा। तो ये जो अपनी कला हो जाएगी दाबू कला, ठीक है। तो दाबू कला की मैं परिभाषा लिखता हूँ, जहाँ रंग नहीं चढ़ाना है वहाँ किसी पदार्थ का लेपन करना, ठीक है, क्या कहलाएगा, दाबू कला। अब देखो अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के दाबू फेमस हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा मोम का दाबू। कई जगह देखो ओढ़नी पे मोम का दाबू भी लगाते हैं, तो मोम का दाबू है सवाई माधोपुर का, मिट्टी का दाबू है बालोतरा का, मिट्टी का दाबू बालोतरा का, बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। गेहूं के बिंधन का दाबू, बिंधन होता है छानस, गेहूं के बिंधन का दाबू सांगानेर और बगरू का फेमस है, दोनों ही जगह कहाँ है, सांगानेर और बगरू जयपुर में। इनके अलावा मोम से कपड़े पे कुछ लिखना उसको कहेंगे मोम लेखन, मोम लेखन, मोम लेखन या वार्तिक कला, मोम लेखन या वार्तिक कला हो जाएगी। अगर जगह पूछे तो खंडेला बता देना, खंडेला सिक्कर, और प्रॉपर कोई जिला पूछ बैठे आपसे तो बीकानेर कर देना, यदि जिले दिए हों ऑप्शन में तो बीकानेर करना, अगर स्थान दिए हों जैसे खंडेला है, कोई लूणकरनसर है, सुजानगढ़, ऐसे स्थान विशेष दिए हों तब आपको खंडेला करना है। तो ये हमने बातें कंप्लीट यहाँ पे कर ली है, दाबू कला से रिलेटेड हमारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं आपको काष्ठ कलाएँ करवाऊँगा। काष्ठ कलाएँ मतलब वो कलाएँ जो किससे बनती हो, लकड़ी से बनती हो, लकड़ी से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करूँगा, और आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपने कपड़ों की रंगाई छपाई कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब देखो हम बात करेंगे काष्ठ कला की। काष्ठ कला का मतलब वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट जो किससे बनते हों, लकड़ी से बनते हों, वो सारे किस में आ जाएंगे, काष्ठ कला में पढ़ेंगे हम।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्नीचर की बात करेंगे, और फर्नीचर की बात करेंगे हनुमानगढ़ से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे बनते हैं हनुमानगढ़ में शीशम के फर्नीचर, शीशम कहते हैं टाली को, शीशम के फर्नीचर है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ठीक है, शीशम के फर्नीचर बनते हैं हनुमानगढ़। इसके बाद में है खेल का सामान, खेल का सामान, खेल का सामान भी बनता है हनुमानगढ़ में। खेल का सामान वो सामान हनुमानगढ़ में बनेगा खेल का, जो लकड़ी से बनता हो, ठीक है, जैसे बैट है, विकेट है, ऐसी चीज़ें। लेकिन खेलने के बाद में जो ट्रॉफियां दी जाती है, ट्रॉफियां बनती है जयपुर में, ट्रॉफियां जयपुर में। इसके बाद में हम बात करेंगे चंदन के फर्नीचर, चंदन के फर्नीचर, चंदन के फर्नीचर चूरू, चाय चंदन चाय चूरू, चाय से चंदन चाय से चूरू, चाय से चौथ मल जी जांगीड़ की दुकान पे आपको मिलेंगे, ठीक है, चंदन के। और ये ध्यान रख लेना, माथे पे जो टीका लगाते हैं वो वाला चंदन नहीं होगा, ये रेड सैंडल होता है, लाल चंदन, और लाल चंदन के फर्नीचर बनते हैं दरवाजे वगैरह, जो चूरू में बनते हैं विशेष रूप से। इसके बाद में मैं बात करूँगा वुडन पेंटेड फर्नीचर की, वुडन पेंटेड फर्नीचर, वुडन लकड़ी, पेंटेड मतलब कलर किए हुए फर्नीचर, ठीक है, कलर किए हुए, अलग अलग मल्टी कलर किए हुए जो फर्नीचर या छोटी मोटी पिटारी बॉक्स वगैरह बनते हैं, वुडन पेंटेड फर्नीचर होते हैं, वुडन पेंटेड फर्नीचर हैं किशनगढ़ के। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। बहुत सारी बातें हैं किशनगढ़ में, मैं एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पे गुजरों का चरी नृत्य, गुजरों का चरी नृत्य, गुजरों का चरी डांस कहाँ का हो जाएगा? किशनगढ़ का हो जाएगा गुजरों का चरी डांस, ठीक है। तो मार्बल मंडी कहाँ है? मार्बल मंडी, मार्बल मंडी कहाँ हो जाएगी? किशनगढ़ में। गुजरों का चरी डांस किशनगढ़, ठीक है, मार्बल मंडी किशनगढ़। किशनगढ़ चित्र शैली का फेमस चित्र है बनी ठणी, बनी ठणी चित्र, बनी ठणी चित्र भी कहाँ का हो जाएगा? किशनगढ़। और किशनगढ़ के पास में एक जगह है सलेमाबाद, और सलेमाबाद से नदी निकलती है रूपनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ से निकलती है रूपनगढ़, गढ़ से गढ़ मिला देना, किशनगढ़ रूपनगढ़, रूपनगढ़ किशनगढ़, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे किशनगढ़ से संबंधित हो जाएगी। इसके बाद में देखो वुडन पेंटेड फर्नीचर हो गया, फिर हो जाएगा लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर, लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर हैं बाड़मेर और शेखावाटी, बाड़मेर और शेखावाटी के लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर हो जाएंगे। ये हमने फर्नीचर की बात कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने बनते हैं मेड़ता में, मेड़ता नागौर में है। एक जगह है बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, वैसे बस्सी जयपुर में भी है, जयपुर वाला बस्सी अलग है, ये वाला बस्सी। अगर पूछे कि राजस्थान में हस्तकलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है बस्सी चित्तौड़गढ़ बताना है, क्योंकि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लकड़ी के प्रोडक्ट जो हैं वो बस्सी में बनते हैं। तो लकड़ी के खिलौने बनते हैं मेड़ता नागौर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। ये मेड़ता नागौर वाला है, और ये वही मेड़ता है जहाँ पे मीरा माई का जन्म हुआ था। मीरा कहाँ जन्मी थी? मेड़ता में जन्मी थी। और मेड़ता की एक खास बात और है, यहाँ पे ठंडे पानी का एक मटका बनता है जिसका मुँह छोटा सा होता है और मटका बड़ा होता है। ये जो मटका है इसको कहते हैं मोण, ठीक है। तो मोण नामक मटका कहाँ का फेमस है? मेड़ता का। लकड़ी के खिलौने मेड़ता में बनते हैं। मीरा कहाँ जन्मी? मेड़ता में। और मीरा के दादा राव दुद्दा ने चार भुजा नाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? मेड़ता नागौर में करवाया था। और मालदेव के साथ में जब वीरमदेव का युद्ध हुआ, तब वीरमदेव शासक था मेड़ता का, मेड़ता का शासक था वीरमदेव, और मारवाड़ का राजा था मालदेव, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है।
लकड़ी के खिलौनों की बात होगी, अगर इनमें जिले दिए हों ऑप्शन में तो सवाई माधोपुर और उदयपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिला, ठीक है, ये लकड़ी के खिलौने यहाँ के फेमस हो जाएंगे। तो शीशम के फर्नीचर हो गए, सामान, खेल का सामान, ट्रॉफियाँ, चंदन के फर्नीचर, ठीक है, सारी बातें हमने कर ली। अभी इसमें आगे हम गणगौर, कांवड़, कठपुतली, बेवाण, कुछ एक चीज़ें और करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। मिटा दें इसको। अब देखो काष्ठ कला में हम आगे बात करेंगे गणगौर की। गणगौर 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 एक त्यौहार भी है और गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तीज को ये गणगौर का त्यौहार मनाएंगे। होता कैसे है, एक गणगौर होती है, उसके साथ में एक ईसर होता है, लकड़ी की बनी हुई दो आकृतियाँ होती है, महिला पुरुष जैसी आकृति होती है लकड़ी की बनी हुई, दो महिलाएं उनको सिर पे रख कर और उनकी सवारी निकालती है जो गणगौर की सवारी कहलाती है। अब देखो किस प्रकार से ये बनी होती है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये तो अपनी हो गई गणगौर, इसको एक लकड़ी के स्टूल के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है और एक महिला इसको अपने सिर के ऊपर ऐसे उठा लेगी। एक होता है ईसर, छोटा बन गया छोटा बन गया, कोई बात नहीं, बड़ा करते हैं बड़ा। इसको भी एक लकड़ी के स्टूल के ऊपर रखेंगे और इसको भी एक महिला इस प्रकार से उठा लेगी। तो ये जो प्रोग्राम है इसको कहते हैं गणगौर की सवारी निकालना कहेंगे। गणगौर की ये गणगौर है, इसका कपल जो है ये ईसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गणगौर की सवारी होगी। अब देखो ये जो गणगौर है ये कहाँ बनाई जाती है, गणगौर का जो निर्माण है बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बस्सी काष्ठ कलाओं के लिए सबसे फेमस स्थान है, बस्सी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में गणगौर का निर्माण होता है। अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहले किसने बनाई, तो सर्वप्रथम इसका जो निर्माण है वो प्रभात जी सुथार ने किया था। 350 साल पहले प्रभात जी सुथार राजसमंद जिले के निवासी थे, उन्होंने गणगौर का निर्माण किया था। अब हम बात करेंगे कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है बीच में, हालांकि मेले त्यौहारों में बताता हूँ लेकिन यहाँ भी बता दूंगा, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो गणगौर का जो त्यौहार है, गणगौर का त्यौहार मनाते हैं चैत्र शुक्ल तीज को। देखो शुक्ल मतलब चानन पंख, महीने में दो पक्ष होते हैं, अंधेर पंख होते हैं पहला 15 दिन, दूसरे 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को चानन पक्ष बोलते हैं अपने। तो त्यौहार मनाते हैं चैत्र शुक्ल तीज को। फिर अगर इससे रिलेटेड अन्य जो बातें हैं, चाहे और टॉपिक ही हो लेकिन मैं आपको यहाँ पे साथ में करवा दूंगा, ध्यान रखना आप। गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव जयपुर, गणगौर महोत्सव जयपुर, गणगौर नाम का आरटीडीसी होटल, गणगौर आरटीडीसी होटल भी कहाँ है, जयपुर में। यहाँ दो बातें ध्यान में रखना, तीज और गणगौर महोत्सव दोनों कहाँ के हैं, जयपुर के, और तीज और गणगौर नाम के आरटीडीसी होटल कहाँ पे है,
जयपुर में आरटीडीसी क्या चीज़ है ध्यान रख लेना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है जिन स्थानों पे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बने हैं वहाँ पे आने वाले पर्यटकों को शाही सुविधाएं देना इसका मूल उद्देश्य है। और इसीलिए आरटीडीसी होटल ने विभिन्न जिलों के अंदर आरटीडीसी होटल की स्थापना की है। तो ये अपने गणगौर से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब इसके बाद में मैं बात करूँगा कठपुतली की, कठपुतली की बात करेंगे। कठपुतली एक नाटक है जिसमें एक छोटे मंच के ऊपर छोटे छोटे गुड्डी और गुड्डा कुछ इस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं और उनके हाथों पैरों में धागे लगे होते हैं और वो धागे पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों पे इस प्रकार से बांध के रखता है, फिर अपनी उंगलियों के इशारे से उनको पर्दे के पीछे बैठा वो व्यक्ति जो है वो कठपुतलियों को नचाता है। ये इनका जो नाटक है, कठपुतली नाटक बोलते हैं इसको, कठपुतली नाट्य बोलते हैं, मेले में दिखाया जाता है। तो ये बात तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जैसे राजस्थान के लोक नाट्यों में पढ़ेंगे इसकी डिटेल, तो लेकिन यहाँ मैं केवल इतना बताऊँगा आपको कि कहाँ बनती है और कैसे बनाई जाती है। तो कठपुतली जो है ये भी कहाँ बनती है, वो लकड़ी की चीज़ों में नाम आ जाएगी, लकड़ी चीज़ तो लगभग बस्सी कॉमन रहेगा अपने, बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है कठपुतली, और वो भी कॉमन है उदयपुर वाला भी, ठीक है। तो कठपुतली कहाँ बनती है, बस्सी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। कठपुतली जो नाटक है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति दिलवाई थी देवीलाल जी सामर ने, और देवीलाल सामर ने उदयपुर में कठपुतली म्यूजियम भी स्थापित करवाया है, जो चीज़ें मैं आपको अगले टॉपिक में कठपुतली नाट्य कला में करवाऊँगा मैं आपको। इसके बाद में दो चीज़ें और रहेगी यहाँ पे, एक तो है अपने पास में बेवाण और एक अपने पास में रहेगा कांवड़। कांवड़ ज़्यादा प्रश्न यहाँ से उठाता है पेपर वाला, बेवाण और कांवड़ पे। बेवाण क्या होता है अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, मेरे को कम आती है इसलिए मैं हिंदी में लिखूँगा, मिनी एचर वुडन टेंपल। इसका मतलब छोटा सा मंदिर बना होता है लकड़ी का, उसको क्या बोलेंगे बेवाण। और ये कब इसका प्रदर्शन करते हैं, देवताओं को इसमें बिठाते हैं और झूला झुलाते हैं, कब, जल झूलणी एकादशी को इसका प्रदर्शन किया जाता है, जल झूलणी एकादशी को इसका प्रदर्शन किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें कहाँ बनती है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में बनती है दोनों ही, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा बस्सी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर हो जाएगा कॉमन। कांवड़ की अगर मैं बात करूँ तो कांवड़ क्या होता है, कांवड़ नाम लेते दिमाग में ऐसा एक चित्र आता है, ये श्रवण कुमार है, कांवड़ का नाम लेते ही ऐसा एक चित्र आता है, लेकिन ये वो कांवड़ नहीं है जो हरिद्वार से भर के लाते हैं, वो वाली कांवड़ नहीं है। अपने राजस्थान में जिस कांवड़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ वो कांवड़ क्या होती है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है एक, और उसके चारों ओर विभिन्न दरवाजे या कपाट लगे होते हैं, और प्रत्येक दरवाज़ा जैसे इधरवाली साइड का दरवाज़ा उस बॉक्स का ऐसे खुलेगा, इसके फोल्डिंग एक दरवाज़ा और होगा वो आगे ऐसे खुलेगा, फिर एक दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा, जैसे मेले से अपने एक कोई मूर्तियों का सेट लेके आते हैं वो ऐसे फोल्ड होता है फिर आगे से आगे खुलता जाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड जैसे खुलता है ऐसे, उस प्रकार से उसके दरवाजे आगे से आगे खुलते हैं। तो एक साइड में दो, फिर दो चार और दो छः, एक साइड में कितने दरवाजे के कितने पल्ले खुले हैं, छः पल्ले, पल्ला बोलेंगे एक साइड को जो खुलता है, तो एक साइड उसके छः दरवाजे ऐसे ऐसे खुलते हैं, तो चारों ओर छः चौका 24 दरवाजे लगे होंगे किसमें, कांवड़ में। प्रत्येक दरवाजा जैसे ही खुलेगा उस पर एक विभिन्न देवी देवता का चित्र हमें दिखाई
देगा, ठीक है। और ये जो कांवड़ है इसमें बीचों बीच बे माता का चित्र होता है। बे माता वो देवी है जो बच्चे का भाग्य लिखती है, ठीक है। तो कांवड़ का मतलब क्या होता है, विभिन्न कपाट वाला मंदिर जिसमें अनेकों देवी देवताओं अनेकों देवी देवताओं के चित्र होते हैं। अब देखो ये जो कांवड़ है, मैं इसका डायग्राम यहाँ बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से रहेगा ये कांवड़। यहाँ बहुत सारे दरवाजे इसके बने होंगे और ये यहाँ से पकड़ के एक चारण जाति का आदमी गांव-गांव में इसका प्रदर्शन करता है और लोग क्या करते हैं, विभिन्न दरवाजों में से देवी देवताओं के दर्शन करके और उनमें अपनी श्रद्धा अनुसार रुपयों का दान करते हैं। और बीच बीच इसके इसके बिल्कुल बीच में बे माता का चित्र बना होगा, उसका उसके भी दर्शन किए जाते हैं। तो प्रदर्शन कौन करता है, चारण जाति इसको प्रदर्शित करती है। चारण जाति इसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अगर हमारे से पूछ ले कि ये जो कांवड़ है ये बनाता कौन है, ठीक है, कांवड़ बनाता कौन है, ठीक है, वैसे सुथार का काम होता है लेकिन कांवड़ बनाएगा खेरादी जाति का व्यक्ति। खेरादी जाति का व्यक्ति जो है वो कांवड़ का निर्माण करेगा। तो ये हमने यहाँ पे बातें कर ली है कास्ट कलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक आधी छोटी मोटी बात मैं आपको यहाँ पे और करवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक आधी कोई छोटी मोटी बात और बची है अपने पास में, उसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट माना जाएगा। तो देखो एक चीज यहाँ पे बच गई अपने पास में, पात्र तिपर्णी क्या होते हैं, जैन साधु देखे होंगे आपने, जैन दो प्रकार के होते हैं भी। एक तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं उनको कहते हैं श्वेतांबर, एक जो कपड़ा ही नहीं पहनता उनको कहते हैं दिगंबर, ठीक है। अब देखो जैन साधु अपने हाथ में, देखो संतों के हाथ में इस प्रकार का कमंडल होता है, ऐसा एक कमंडल लोटा होता है, ऐसा कमंडल होता है, हमने कई बार देखा, वो श्राप देने के काम आता है। देखो लक्षण अच्छे हो तो वरदान देने के काम में भी आता है, लेकिन वैसे अपने ज़्यादातर श्राप देते हुए देखे। तो देखो पित्तल का बना होता है ये ज़्यादातर जो साधुओं के पास, लेकिन जैन साधुओं के पास जो कमंडल होता है वो लकड़ी का होता है और उसको कहते हैं पात्र तिपर्णी। तो देखो जैन साधुओं का लकड़ी का जो कमंडल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पात्र तिपर्णी। और कहाँ बनता है, पिपाड़ गांव में, पिपाड़ गांव जोधपुर में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये पात्र तिपर्णी की बात होगी। इसके बाद में है एक चीज, अभी काष्ठ कलाओं में, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ आपको, चोपड़ा। चोपड़ा क्या होता है, देखो चोपड़ा इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसमें ब्राह्मण जब तिलक लगाने आता है हमारे, उस समय वो अपने हाथ में थाली में इस प्रकार का एक पात्र रखता है। इसका ढक्कन है ऊपर वाली साइड, ये ढक्कन है इसका, ये ढक्कन है, ये साइड में खुलेगा और इसके अंदर वाली साइड यहाँ पार्टीशन होता है, यहाँ चावल वगैरह कुछ चीज़ें होती है। तो ब्राह्मण द्वारा
ब्राह्मण द्वारा तिलक सामग्री का पात्र, तिलक सामग्री का जो पात्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं। चोपड़ा, चोपड़ा नाम आते ही आपके दिमाग में कई चीज़ें आई होंगी। चोपड़े बहुत सारे हैं, मैं कई बार क्लास में पूछता हूँ, मैं इनका बता चोपड़ा क्या होता है, तो कई बताते हैं सर प्रियंका चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, है ना, वो चोपड़ा काम के नहीं है, वो तो ले बैठे अपने वो चोपड़ा काम के नहीं है। ये जो यहाँ मैं जिस चोपड़ा की बात करूँगा, वो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक तो है दानचंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा नाम का एक आदमी है, उसकी हवेली है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ है चूरू में, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। एक चोपड़ा झील है, चोपड़ा झील है, चोपड़ा झील है पाली में, चोपड़ा झील पाली में, ठीक है, चोपड़ा झील होगी। इसके बाद में चोपड़ा झील के बाद में बताऊंगा संत माव जी, डूंगरपुर के थे ये, संत माव जी की जो वाणी है, वाणी को भी क्या कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं। और एक जोधपुर में मंदिर है चामुंडा माता मंदिर, और मंदिर में भगदड़ मचने से करीब करीब 300 लोगों की जान चली गई थी, और उस पूरे प्रकरण की, उस पूरे प्रकरण की जांच जो है जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने की थी। ये चारों प्रश्न बनते हैं चोपड़ा, चोपड़ा से रिलेटेड। ये चोपड़ा अलग है, इसके अलावा जो भी चोपड़ा नाम आते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो चामुंडा माता मंदिर भगदड़ प्रकरण की जांच जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने की थी, जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने की थी। तो ये बातें हैं लकड़ी से संबंधित जो कलाकारी थी हमारे पास में, वो सारी महत्वपूर्ण बातें हमने कर ली। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं जल्दी, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ले लिया। अब देखो पात्र तिपण्य चोपड़ा चापड़ा जितने थे हमने कर लिए, अब देखो आगे काष्ठ कला में यहाँ तक की बातें कर ली। अब काष्ठ कला में अपने छोड़ देते हैं, छोटी मोटी अन्य कलाओं के बारे में अपन बात करेंगे। अन्य में अगर बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण जो कलाएं हैं उनमें बात करेंगे, एक तो होता है ईड, मेवाड़ में बच्चों द्वारा दीपावली पर तेल एकत्रित करने का पात्र, ठीक है, बच्चों द्वारा दीपावली पर इसमें तेल इकट्ठा किया जाता है पड़ोसियों के घर से, और फिर उसी दीपक से उसी में वो बुजुर्ग जो होते हैं उन बच्चों को कुछ पैसे वगैरह उपहार स्वरूप देते हैं, तो ये कहलाएगा हीड। ठीक लिख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा हीड। एक होता है चिकोरा, चिकोरा भी क्या होता है, एक बड़ा सारा दीपक होता है, लकड़ी का बना होता है, ये बड़ा दीपक होता है, और इसमें छोटे बच्चे दीपावली के पास में क्या करते हैं, पड़ोस से तेल एकत्रित करते हैं, फिर उसी तेल से गांव की खुशहाली के लिए एक बड़ा दीपक गांव में जलाया जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है दीपावली पर तेल एकत्रित करने का बड़ा दीपक, बड़ा दीपक क्या कहलाएगा, चिकोरा कहलाएगा। तो हीड और चिकोरा लगभग लगभग समानता है इसमें, थोड़ा सा फर्क है, हीड थोड़ा छोटा होता है, चिकोरा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हमने महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट कर ली हैं, और
हेड़ चिकोरा में अंतर, आप बेसिक जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें छोटी मोटी चीज़, क्योंकि हस्तकला टॉपिक काफ़ी लेंथी है, छोटी मोटी चीज़ अगर इसमें बच जाती है तो वो चीज़ें जो है वो आपको नोट्स की जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिसके अंदर मैटर थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से दिया हो, क्योंकि छोटी छोटी इतनी चीज़ें हैं जिसको समझाने वाली तो कोई बात है नहीं। अब समझाने वाली बात नहीं है तो उनको यहाँ पे बोर्ड भरने से कोई मतलब नहीं बनता, जो हम बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लगभग वो चीज़ें आपको मैंने करवाई है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है कि वो चीज़ें दिखने में कैसी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बोर्ड पे करवा दी। अब लगभग ये टॉपिक है 90% या 95% जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट है यहाँ पे। इसके बाद में छोटी मोटी एक दो बातें, जैसे कोई पूछ लेगा कि कोई जलेबी कहाँ की है, कोई मिर्ची बड़ा कहाँ का है, कोई और है, तो इन चीज़ों का कोई अंत तो है नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप बुक में और जो नोट्स आपको इसमें, नोट्स की पीडीएफ वगैरह जो ग्रुप में आपको या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वो पढ़ लेना। और एक भी प्रश्न, मेरे ये दावा है कि लगभग लगभग परीक्षा में एक भी प्रश्न इस करवाए हुए मैटर में से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के पार्ट में हम इतनी ही बातें करेंगे। हस्तकला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आपने इतने देर तक गौर से हमें सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।